हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप अपना खुद का घर खरीदने की सोच रहे हैं या आपका गोल है अगले कुछ सालों में घर खरीदने का, तो आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप अच्छे से अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर पाओगे। इस वीडियो को बनाने का ये एक ही रीजन था कि कहीं सारे यंग कपल्स घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं जिसके कारण वो या तो घर खरीदने के गोल को पोस्टपोन करते हैं या फिर उनके मन में डर रहता है कि कहीं लोन लेने के बाद लोन को समय से पे नहीं कर पाए तो क्या होगा। और इन्हीं सारे डाउट्स को आज हम इस वीडियो से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। तो अब कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर वन, शुड यू बाय और शुड यू रेंट। अब घर खरीदने से पहले तो समझिए कि क्या आपको सही में घर खरीदना चाहिए या नहीं। घर खरीदना आपकी नीड है या वांट। अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं और उस घर में आप रहने वाले हैं, तो आप घर खरीदने का सोच सकते हैं। अब अगर आप उस घर में लॉन्ग टर्म यानी 15-20 ईयर्स के लिए रहने वाले हैं, तभी ही घर को खरीदिए। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है और आपका जॉब फ्यूचर में किसी और सिटी में या आपके घर के करंट लोकेशन से कहीं और दूर हो सकता है, तो घर खरीदने की जल्दी मत कीजिए जब तक आप श्योर नहीं होते कि आप उस घर में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं या नहीं। और ऐसा क्यों कहा मैंने, तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे घर खरीदना और बेचना कोई आसान बात नहीं है, एज आपका घर हाईली इलिक्विड होता है। इट मीन्स कि घर जल्दी बिकता नहीं, प्लस घर खरीदते वक्त और बेचते वक्त कई सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर्स कमीशन, जो शॉर्ट टर्म में आपको महंगे पड़ सकते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि आप घर खरीदेंगे और उस घर में रहेंगे, और वो भी लंबे समय के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर टू, बिल्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। राहुल को घर खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उसने 50 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी का 25% डाउन पेमेंट यानी 12,50,000 रुपीज पर्सनल लोन ले लिया और बचा हुआ 37,50,000 रुपीज होम लोन ले लिया। इट मींस कि अगले 5 सालों तक वो पर्सनल लोन की ईएमआई भरेगा 28,000 रुपीज और होम लोन की ईएमआई भरेगा 29,000 रुपीज, जो उसके बजट से बाहर है। और लोन्स को सही से मैनेज ना करने के कारण उसे और भी पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स लेने पड़े हैं। लेकिन राहुल का दोस्त संजय, जिसने घर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट किया, तब उसके फाइनेंशियल प्लानर ने उसे समझाया कि उसे अपने बजट से बाहर जाकर घर नहीं खरीदना चाहिए और 5 साल वेट करना चाहिए। और प्लानर ने उसे समझाया कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% से अप्रिशिएट होती है इन 5 सालों में, तब 5 सालों बाद 50 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी का दाम 80,52,000 रुपीज के करीब होना चाहिए। और उस हिसाब से संजय के पास 20 लाख रुपीज होने चाहिए 5 सालों बाद डाउन पेमेंट देने के लिए। और संजय को 10% रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में 26,000 रुपीज की SIP शुरू करनी चाहिए हर महीने, जिससे संजय डाउन पेमेंट के ये पैसे इजीली मैनेज कर पाएगा और इजीली अपने लोन्स भी मैनेज कर पाएगा। और फाइनेंशियल प्लानर ने संजय को ये भी समझाया कि इन 5 सालों में उसे अपने बाकी सारे लोन्स क्लियर करने चाहिए और फिजूल का खर्चा ना करके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड ऑफ एटलीस्ट 15 मंथ्स ऑफ योर EMI। सोहेल ने अपने घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा होते ही 40 लाख रुपीज का होम लोन ले लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद किसी कारण से उसका जॉब लॉस हो गया और उसके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं थे लोन की EMI भरने के लिए। अब ऐसे में उसे 6 महीनों के लिए उसका क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ा और मनी लेंडर से महंगे इंटरेस्ट वाला लोन भी लेना पड़ा, एज जॉब ना होने के कारण कोई बैंक उसे लोन नहीं दे रही थी। अब सोहेल को नया जॉब तो मिला है, लेकिन उसकी सैलरी
पिछले जॉब के कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से वो मनी लेंडर का लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन का पैसा समय से नहीं दे पा रहा और कर्जे की जाल में फंसता ही जा रहा है। लेकिन सोहिल के दोस्त राज ने सही एडवाइस लेकर डाउन पेमेंट के साथ साथ 15 मंथ्स की ईएमआई जितना पैसा एज एन इमरजेंसी फंड रखा था और जॉब लॉस होने के कारण उसे ईएमआई भरने में कोई दिक्कत नहीं आई और उसे कोई और लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और नए जॉब में सैलरी कम होने के बावजूद राज अपने होम लोन की ईएमआई अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। दोस्तों, आपको कितने का लोन लेना चाहिए घर खरीदने के लिए? क्या आप घर खरीदने के लिए तैयार है भी या नहीं? क्या घर खरीदने के साथ साथ आप अपने बाकी के गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई मैनेज कर पाओगे या बस होम लोन की ईएमआई ही भरते रहोगे सारी जिंदगी और बुढ़ापे में अपने बच्चों पर डिपेंड करोगे पैसों के लिए? कितने पैसे चाहिए होंगे आपको आपके बाकी गोल्स को अचीव करने के लिए और कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर पाओगे? ये सारी बातें समझने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, हैव इनफ लाइफ इंश्योरेंस अगेंस्ट योर होम लोन। दिलीप एक आईटी कंसल्टेंट है और उसकी मंथली इनकम है करीब 1 लाख रुपीज। उसने रिसेंटली पुणे में घर खरीदा है जिस पर उसने करीब 50 लाख रुपीज का लोन लिया है। दिलीप के साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते हैं जो दिलीप की इनकम पर ही डिपेंड करते हैं। अब एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त दिलीप का एक्सीडेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। दिलीप के पास कोई टर्म प्लान नहीं था उसके लोन्स को सपोर्ट करने के लिए और कुछ महीनों बाद उसके माता पिता को रेंट पर शिफ्ट होना पड़ा। एस बैंक वालों को ईएमआई ना मिलने के कारण उन्हें घर बेचना पड़ा। लेकिन शायद अगर दिलीप ने अपने इंश्योरेंस को सीरियसली लिया होता और एटलीस्ट अपने लोन की अमाउंट जितना टर्म प्लान लिया होता तो बैंक वाले घर नहीं बेचते, एस उन्हें टर्म प्लान से पैसे मिल जाते। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये एग्जाम्पल काफी डरावना है, लेकिन क्या करूँ, कभी कभार अच्छी बात समझाने के लिए नेगेटिव बात का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, आई थिंक ये सब सच्ची बातें आपको शायद ही कोई समझाना चाहेगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 5, इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अच्छा क्रेडिट स्कोर यानी 750 के ऊपर का क्रेडिट स्कोर होने से आप होम लोन के लिए एलिजिबल तो होते ही है, लेकिन अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के कारण आप बैंक्स के साथ इंटरेस्ट रेट पर निगोसिएशन भी कर पाते हैं। होम लोन्स काफी लंबे समय के लिए और बड़े अमाउंट्स के होते हैं जिसके कारण इंटरेस्ट का अमाउंट काफी बड़ा होता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल दूं तो 60 लाख के लोन पर 8.10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30 ईयर्स में आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने के कारण आपको 8.10% की जगह 1% एक्स्ट्रा यानी 9.10% का इंटरेस्ट देना पड़े तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट 1 करोड़ से बढ़कर सीधे 1.15 करोड़ हो जाएगा 30 ईयर्स में। और अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने के लिए अनवांटेड लोन्स के लिए अप्लाई मत कीजिए और एग्जिस्टिंग लोन की ईएमआई को समय से पे कीजिए। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा यूज मत कीजिए। ये कुछ टिप्स आपको आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने में आपकी हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 6, कंपेयर होम लोन इंटरेस्ट रेट फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। यूजुअली आपको बैंक्स होम लोन RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट पर देते हैं और RLLR लोन्स का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीनों में रिवाइज होता है। इंटरनेट पे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां आप अलग अलग बैंक्स द्वारा ऑफर किए गए इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन करते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं बल्कि बाकी चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग फी, लेट पेमेंट फी, ECS बाउंस चार्जेस वगैरह को भी कंपेयर करना जरूरी है, एस ये सारे चार्जेस आपके टोटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को अफेक्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, प्लान फॉर अदर एक्सपेंसेस एज वेल। डाउन पेमेंट के अलावा घर खरीदते समय कुछ और भी बड़े खर्चे होते हैं, जैसे सबसे पहले तो स्टैंप ड्यूटी जो प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑलमोस्ट 7% होता है, फिर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो प्रॉपर्टी वैल्यू का करीब 1% होता है, फिर इंटीरियर डेकोरेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन चार्जेस, वाटर कनेक्शन चार्जेस, ब्रोकर्स फी, होम इंश्योरेंस चार्जेस, लीगल फी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप इन सब चार्जेस को जोड़ दे तो ये सब मिलाकर प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑलमोस्ट 20% तक हो सकता है। तो होम लोन प्लान करते वक्त इन चार्जेस को प्लान करना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, स्टे विद इन योर बजट। होम लोन अप्लाई करने से पहले कुछ महीनों तक अपने टोटल हाउस होल्ड इनकम को बजट कीजिए और समझिए
कि आप अपने टोटल मंथली इनकम में से कितना अमाउंट कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। फाइंड आउट कीजिए कि आपके मंथली इनकम का कितना अमाउंट नीड्स की तरफ, जैसे रेंट, ग्रोसरी, स्कूल फी, इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल की तरफ स्पेंड हो रहा है, और कितना अमाउंट वॉन्ट्स की तरफ, जैसे मूवीज, डिनर, पेट्रोल एक्सेट्रा की तरफ स्पेंड हो रहा है। ऐसा करने से आप ये समझ पाओगे कि कौन सा खर्चा कम करना है और कितने अमाउंट का ईएमआई आप अफोर्ड कर पाओगे। रूल ऑफ थंब के हिसाब से आपकी टोटल ईएमआई यानी सारे लोन की टोटल ईएमआई आपके टोटल इनकम के 30% से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री। अब आप सोचोगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। राम ने 60 लाख रुपीज का लोन लिया 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30 इयर्स के लिए, और इस लोन पर टोटल इंटरेस्ट जो राम पे करेगा इन 30 इयर्स में वो है करीब 1 करोड़। लेकिन यही अगर राम 15% रिटर्न के हिसाब से 360 मंथ्स के लिए किसी अग्रेसिव म्यूचुअल फंड में बस 1500 रुपीज की SIP शुरू करता है, तब 30 इयर्स बाद लोन फिनिश होने पर उसके पास होंगे पूरे 1 करोड़ रुपीज एग्जैक्टली इंटरेस्ट जितना अमाउंट। पॉइंट नंबर 10, प्लान बिफोर यू टेक अ लोन। फ्रेंड्स, होम लोन लेना आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, तो होम लोन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझिए कि कितने अमाउंट का लोन आपको लेना चाहिए, और होम लोन के साथ साथ आपके बाकी गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, वेकेशन, इन्हें आप कैसे फुलफिल कर पाओगे। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे सही डिसीजन लेने में, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे। ज्वाइन कीजिए हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने। चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।